विरोधी पूरी ताकत लगा करके सपा को वोट किया। अच्छा, उसका कारण भी था, वोट करने का एक कारण ये सबसे बड़ा था कि चार पांच महीने पहले से एक प्रायोजित कार्यक्रम, जैसा मैंने अभी पहले बताया कि आपको इस वक्त न्यूज नहीं दिखाई जाती, आपको प्रायोजित कार्यक्रम दिखाया जाता है जो पहले से प्रायोजित होता प्रांत के अंदर, तो वो आता था कि कौन रोकेगा भाजपा का विजय रथ, टीवी पे एकदम से आता था, तो अखिलेश जी आ जाते थे साइकिल लेकर के, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हमारे प्रदेश के, उनका भी सम्मान करता हूँ मैं, बहुजन समाज से हूँ, लेकिन जो बात जिसकी है वो कही जाएगी। तो कौन रोकेगा भाजपा का विजय रथ, तुरंत अखिलेश जी आ जाते थे, कौन देगा पटकनी भारतीय जनता पार्टी को, इस तरीके से आता था, तो अखिलेश जी की साइकिल, साइकिल चुनाव निशान, तो ये सब चीजें जो दिखा दिखा करके कहीं ना कहीं जहन में लोगों के ये भर दिया कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है भाजपा से, और लोग उसी धमके में आ गए। बात इतना सब कुछ होने के बावजूद समाजवादी पार्टी जो थी 35% वोट पर आकर के ठहर गई, पूरी ताकत लगाई, मुसलमानों ने भी लगाई, और भी ओबीसी का वोट था जो कुछ नकारात्मक वोट होता है वो भी गया, कुछ रूमर का वोट होता है 2-3% वो भी गया। तो मैं आपको बताऊं कि इसके बावजूद बीएसपी जो है 13% वोट पर खड़ी रही, यानी कि हमारा जो बेस था वो कहीं नहीं गया। अब अगर इसी 13% में 25% मुस्लिम वोटर आ जाता, अगर ये प्रायोजित कार्यक्रम नहीं दिखाया जाता तो वो आ जाता 6-7% जो नकारात्मक ओबीसी वोट उसको रोकने के लिए गया वो आ जाता, और जो रूमर का 2-3% वोट होता है ये आ जाता, तो बहुजन समाज पार्टी 42-43% वोट पाती और डंके की चोट ठोक करके सरकार बना लेती। लेकिन ये प्रायोजित कार्यक्रम दिखा दिखा करके भ्रमित किया गया लोगों को का जहन जो था उसको गुमराह किया गया, सोचने समझने की ताकत छीन ली टीवी ने, तभी मैं कह रहा हूं टीवी देखना बंद करिए, टीवी देखना बंद करिए, क्योंकि आप न्यूज नहीं देख रहे हैं, आप प्रायोजित कार्यक्रम देख रहे हैं, वही दिखा करके आपकी भावनाओं से खेला जाता है, और आपको ये बताने की कोशिश की जाती है कि ये करोगे तो नुकसान हो जाएगा, ये करोगे तो फायदा हो जाएगा, इतनी बार दिखाया जाता है 3-3 महीने कि आप आखिरी में वो करने पे मजबूर हो जाते हो, जैसा 2022 के विधानसभा चुनाव में हुआ कि आप वोट कहीं और करने जा रहे थे लेकिन आपको इतना साइकिल दिखाई कि आप उधर चले गए, नतीजा ये हुआ कि फिर से सरकार बन गई। तो मुस्लिम वोटर जो है अब जागरूक हो गया है, और वो ये भी समझ चुका है कि कहीं ना कहीं इंटरनल एक खेल है, क्योंकि देखिए 3 सीटों पर चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, खतौली विधानसभा, रामपुर विधान में चुनाव हुआ आजम खान साहब की सीट पर विधानसभा का, और मैनपुरी में लोकसभा की सीट पर चुनाव हुआ। तो मुसलमानों को रामपुर में, बहुत गहरी बात कर रहा हूं, मेरी बात मुसलमानों से कि मुसलमानों को वोट डालने से ज्यादातर रामपुर में रोका गया। क्यों रोका गया? क्योंकि वहां आजम खान के बहुत करीबी आसिफ रजा साहब चुनाव लड़ रहे, लेकिन क्या वहां सपा से नहीं, वो भी सपा के टिकट पे लड़ रहे थे, बाकी दो जगहों पर सपा और चुनाव लड़ रही थी मैनपुरी और खतौली में, वहां क्यों नहीं रोका गया? ये समझने का विषय है, ये मुसलमानों को समझना चाहिए कि वहां उन दो सीटों पे भी तो सपा लड़ रही थी, वहां पर क्यों नहीं रोका प्रशासन ने मुसलमानों को वोट डालने से, जबकि प्रशासन जान रहा था कि वो वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं जा रहा है, समाजवादी पार्टी को जा रहा है, इसके बावजूद उन दोनों सीटों पर, खतौली विधानसभा पे और मैनपुरी लोकसभा की सीट पर, वहां मुसलमानों को नहीं रोका गया, रामपुर में रोका गया। कहीं ना कहीं ये मुसलमानों को समझना चाहिए कि एक बड़ा नेता आजम खान साहब, और ये आजम खान साहब को भी समझना चाहिए कि मेरा हित कहां सुरक्षित है, बहुत छोटा हूं मैं उनसे, बच्चे के बराबर हूं उनके, लेकिन मैं उनसे भी, ये मेरा मशवरा है, जाती मशवरा, उनसे भी, उनके लिए भी ये मशवरा है कि उन्हें भी समझना चाहिए कि हमारा हित कहां सही है, हमारा हित किस पार्टी के पास है, जब वो इस पर बैठ कर सोचेंगे। और हमारा मुस्लिम माशरा, मैं आप अपने मुस्लिम माशरे से भी अपील करता हूं कि जब आप भी बैठकर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, और आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मैं मुख्तसर सी दो चीजें बता दे रहा हूं कि जब माननीय बहन जी की 2007 में सरकार बनी, माननीय बहन जी ने उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी बनवाने का काम अगर किसी ने किया था तो माननीय बहन जी ने किया था। दूसरी बात मुसलमानों, 2011 में जब बाबरी मस्जिद जैसा विवादित फैसला आता है, बहुत बड़ा एहसान था वो माननीय बहन जी का हमारे ऊपर कि
दंगा करना, बम फोड़ना, गोली चलाना, ये तो बहुत दूर की बात है। कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाया, कोई बड़े से बड़ा गुंडा, बड़ी से बड़ी गुंडा ताकत ये एक माचिस की तीली तक नहीं जला पाई। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहन जी ने करके दिखाया था। दूसरी बात, मुसलमानों से मैं मुखातिब हूं, लेकिन मैं पूरा बहुजन समाज के लोगों से मुखातिब हूं, और मैं सर्व समाज के उन लोगों से भी मुखातिब हूं जो लोग बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था रखते हैं, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे जिनकी आस्था है, जो माननीय बहन जी को अपना नेता मानते हैं, जिनका संविधान में विश्वास है। मैं उन सब से मुखातिब हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि ये समझने वाली बात है और ये सोचने वाली बात है। आप सोच करके देखिए कि किस जब चुनाव होते हैं, हर दल का अपना एक घोषणा पत्र आता है, हर दल का एक घोषणा पत्र, एक एजेंडा वो ला करके वो उसको जारी करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों। आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि बहुजन समाज पार्टी ने आज तक घोषणा पत्र नहीं जारी किया? बहुजन समाज पार्टी इसलिए घोषणा पत्र जारी नहीं करती क्योंकि हमें घोषणा पत्र जारी करने की जरूरत ही नहीं है। जो भारत का संविधान है वही हमारा घोषणा पत्र है। जब जब हमारी सरकार आई है, आप उठा करके देख लीजिए, संविधान के खिलाफ एक सुई की नोक के बराबर काम नहीं हुआ है। सबको बराबर से अधिकार देने का काम किया गया है। जो मान्यवर साहब का नाम नारा था, जिस समाज की जितनी हिस्सेदारी उस समाज की उतनी भागीदारी, तो मान्यवर साहब के उस नारे पर माननीय बहन जी ने हमेशा अमल किया है। और संविधान के हिसाब से चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे इलाज का मामला हो, चाहे नौकरियों का मामला हो, बहन जी ने सबको बराबर से दिया, बिना घोषणा पत्र के दिया है। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और मैं पुनः एक बार फिर से अपने बहुजन समाज से, अपने मुस्लिम माशरे से अपील करता हूं, और सवर्ण समाज के उन लोगों से भी अपील करता हूं जो संविधान में विश्वास रखते हैं और जो माननीय बहन जी को अपना नेता मानते हैं, कि आप सभी लोग मुस्तैदी से, जिस तरीके से माहौल बन रहा है माननीय बहन जी का, पूरी ताकत से ये नाभी नगर पंचायत के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, इसमें भी जुटिए, और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जुटिए। और माननीय बहन जी एक ऐसी नेता है जो संविधान का राज कायम कर सकती है। माननीय बहन जी के अलावा कोई दूसरा नेता इतना बड़ा नहीं जो संविधान का राज कायम कर सकेगा।